तो हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक क्वेश्चन है, मैं वो तुम लोग से पूछ सकता हूँ ना? अरे पूछ ही सकता हूँ यार, पूछ ही सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है गाइस, अगर मेरे को इस गेम के बारे में सब नॉलेज नहीं है या मुझे इस गेम के रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है या कुछ भी पता नहीं है इस गेम के बारे में, तो क्या उससे मेरी औकात नीचे हो जाती है? इस कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि देखो कैसा है ना, अभी कुछ देर पहले एक इंसिडेंट हुआ, एक फैमिली ने हम पे एक्चुअली रेड की। उस फैमिली को हम जानते हैं, उस फैमिली के साथ हमारा रिलेशन कुछ अच्छा ही था। मेरी ऐसे कभी बात नहीं हुई इनसे, बट वो भी मुझे जानते थे और मैं भी उनको जानता था, तो एक रिलेशन था। जो ये गेम खेलते हैं उनको पता है इस गेम में कोई भी पैसा कमाना इतना ईजी नहीं होता। मतलब ईजी है, बस तुमको ग्राइंड करना पड़ता। ग्राइंड मतलब टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो पैसे तुम्हारे पास आते, राइट? तो टाइम इन्वेस्ट करके पैसे तुम्हारे आ रहे, अगर वो पैसे तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा बंदा छीन के लेके चला गया है जिस बंदे को तुम जानते हो, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो वही सीन हुआ। देखो अभी कुछ दिन से ना तुम लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरा क्या क्या इशू चल रहा था, मेरा क्या क्या चीज चला गया। लाइक मैंने अभी लास्ट वीडियो में शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी खासी वर्थ की एक हाउस था जिसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उसकी वर्थ एक्चुअली में बहुत ज्यादा थी, इतना ज्यादा कि एक बिजनेस पार्किंग वाला मैं ले सकता था। उस हाउस के अंदर मैंने इतना बल्क में सामान रखा हुआ था बैकअप के लिए। एंड साथ ही साथ मेरा बंकर चला गया जिसका कॉस्ट भी था अराउंड 10 मिलियन। एंड अभी एक जिस प्लांटेशन पे मैं खड़ा, ये प्लांटेशन जाने वाला है बिकॉज सी, जैसे मैंने बताया कि मेरे को बहुत सारी चीजें इसमें सीख रहा हूं मैं। तो इस प्लांटेशन को मैंने कुछ अराउंड पहले बाय किया, 10.6 मिलियन में बाय किया कुछ दो दिन पहले, एंड हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला इसमें। बट कल हमें सीड्स नहीं मिले, सीड्स नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने कल का जो प्रॉफिट था थोड़ा जल्दी कलेक्ट कर लिया। और जब भी हम लोग यहां से प्रॉफिट कलेक्ट करते हैं ना, तो वहां से काउंट डाउन स्टार्ट होता है 24 आवर्स का। वहां से आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर प्रॉफिट नहीं कलेक्ट करते हो ना, तो ये फैमिली तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तो अराउंड अभी हमारे हाथ से ये फैमिली कुछ डेढ़ घंटे में, या जब तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक चली भी गई होगी, आई डोंट नो, देख लेना आके। इसी के टेंशन में था मैं कि आज मेरा ये फैमिली जाने वाला है, तब तक किसी एक नॉन फ्रेंड फैमिली ने हम पे रेड कर दिया और मेरा मूड आउट हो गया। फिर हम लोग गए डिस्कॉर्ड पे, बात किए। एक बंदा था जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लास्ट वीडियो में, तुम लोग देखोगे फोरम मैंने डाला था। उस फोरम में एक बंदा था मिस्टर रिच, मैं बता रहा हूँ मिस्टर रिच। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इशू क्या हुआ था, कि मेरे को नहीं पता था कि वो सो एंड सो फैमिली, जिस फैमिली को, मतलब जो फैमिली को मैं जानता हूँ, उस फैमिली का बंदा डिप्यूटी था। एक्चुअली उसने मुझे नहीं किया था रिपोर्ट, उसने किसी और को किया था, बट एडमिन्स ने जितने भी जन दिखाई दिए थे फुटेज में पीओवी में, उसने सबको दे दिया था। मतलब पनिशमेंट एडमिन ने सबको दे दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गलत डिसीजन था, मैं जानता नहीं था इसको, तो मैंने बोला इसको रूल्स पता नहीं है। और एक्चुअली मेरा मेन पर्पस था उस एडमिन को बोलना, क्योंकि हमारे फैमिली का भी एक बंदा है जिसने बोला था, तो मेरा मेन पर्पस था उस फैमिली के बंदे को बोलना। सिनेरियो समझा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। एंड इट इज टू यू मिस्टर रिच, आपको बता रहा हूं। मेरा बोलना ये है, अगर किसी से भी गलती होती है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, तो मैच्योरिटी क्या होती है मालूम है? मैच्योरिटी ये होती है कि या तो तुम अगर नहीं आ सकते, तुमको लगता है कि तुम मेरे पास आ रहे हो बात करने के लिए, तो उससे तुम्हारा औकात कम हो जाएगा, तो तुम मुझे बुला लेते। बिकॉज मैं नहीं समझता कि चाहे तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास जाऊं, उससे औकात किसी की कम नहीं होती। बेटा औकात ना गेम में 10 बंदों को मारने से नहीं होती। एंड आई एम टॉकिंग टू मिस्टर रिच, ठीक है? तुम लोग को थोड़ा फनी साउंड करता होगा गाइस, बट मैं मिस्टर रिच से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा तुम लोग पॉज करना, मैं इससे बात कर लेता हूँ, इसको बता देता हूँ। तो मिस्टर रिच, अगर मेरे बारे में जानना हो ना, तो मेरे बंदे से आके पूछ लेना, ठीक है? मेरे किसी भी बंदे से आके मेरे बारे में पूछ लेना। औकात गेम में 10 बंदों को मारने से नहीं बनती। और तू होगा, तेरे से बात करके मेरे को लगा तू होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के अंदर का ही बंदा होगा तू, तो तेरे से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तेरी नसीब अच्छी थी कि मैं तुम्हारे किसी बंदे ने मुझे शायद किक मार दिया तुम्हारे सर्वर से। अगर मैं वापस आ गया होता ना, तो इसके अंदर पता है क्या एक रूल है ईयर रेप करके, तेरा मैं वो कर देता। अच्छा हुआ कि तुम्हारे किसी बंदे ने किक कर दिया, और अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा टॉक्सिक नहीं बना। एंड जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, वो लोग मुझे जानते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कितना टॉक्सिक था, और टॉक्सिसिटी दिखाने में कोई कूल नहीं बनता। अच्छा हुआ कि मैंने टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई। आई डोंट थिंक सो, मैच्योरिटी इसमें होती है। मैच्योरिटी सिंपल सी बात है, उसने ऐसा जवाब दिया कि तू कौन है बड़ा तोप है क्या, तो तू मेरे बारे में नहीं जानता है ना बेटा, तो तू जान लेना। फिर से रिपीट करूंगा, औकात 10 बंदों को गेम में मारने से औकात बड़ी नहीं बनती। गेम में हम आते हैं, खेलते हैं, हमें कुछ चीजें पता होती है, कुछ चीजें नहीं पता होती है। वैसे मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, मेरा ठंडा हो रहा है। तुम लोग को चाहिए क्या मिस्टर रिच? चाहिए क्या? दिमाग आएगा इससे? लाइट पे हो वैसे मैं इसलिए पी रहा हूँ, कड़वा है। बोलते ना सच कड़वा होता है, तो मेरे को वो तूतू मैं करने अच्छा नहीं लगता। मैं वो हिसाब से आया था। बाकी देखो गाइस, किसी फैमिली के साथ कुछ इशू नहीं हुआ है। एक फैमिली का बंदा है, उसको दिमाग नहीं है, बचकाना है, थोड़ा बचकाना हरकत कर दिया है, उसके साथ इशू हुआ है। किसी चीज में तुम प्रो हो ना, तो तुम कूल नहीं हो या तुम्हारी औकात नहीं बढ़ गई है। इट इज जस्ट दैट इट्स अ गेम, जस्ट एंजॉय। देखो मेरे को बजना अच्छा नहीं लगता गाइस ऑनलाइन, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऑनलाइन बजना पसंद नहीं है। वैसे ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही अलग जा रहा है गाइस। किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? बस एक बंदा बचकानी हरकतें कर गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? उसको समझ में आएगा, 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 नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? कोई इशू नहीं।
तो ये प्लांटेशन हमारे हाथ से जा रहा है गाइस, एंड मैं बहुत दुख हूँ एक्चुअली, क्योंकि इस प्लांटेशन को लेने में मेरी उन पसीना नहीं बोल सकते बट पसीना बोल सकते वो एक हो गया, एंड ये प्लांटेशन 1.5 घंटे में चला जाएगा। एंड अभी इस वीडियो में वो तुम लोगों को बताना था, चलो ठीक है कुछ जा रहा है तो हम कुछ लेके आएंगे, वैसे कुछ पैसे मेरे बाकी है किसी बंदों से तो वो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। अभी चलते हैं, हमें पैम के लिए कुछ कार्स अपग्रेड करनी है तो वो कार हम लेने चलते हैं, वहाँ पे चल के बात करते हैं, ठीक है। वैसे ओके हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो गाइस वैसे मेरा भी मूड इसलिए आउट हुआ था ना, क्योंकि चीज़ें कुछ दिन से ना मेरे हाथ से कुछ चीज़ें जा रही हैं, इसलिए मेरा भी मूड आउट हुआ था। किसी के साथ मेरे को इशू क्रिएट करना ना अच्छा नहीं लगता है, बट अगेन सेम चीज़ वही है कि कोई हरकत करके जाए तो यार अपने पास भी दो हाथ दो पैर ये हैं, लेकिन क्या बोलते ना एक गेम में क्या है किसी की औकात निकालने का यार, गेम से थोड़ी ना किसी की औकात बनती है, क्या बोलने का यार बस। ओके गाइस तो कार हम अपग्रेड करने वाले हैं, जेस्टर लेने वाले हैं, जेस्टर क्लासिक लेने वाले हैं। वैसे प्राइम में मेरे पास तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कार फट से आ जाएगी, दो कार आ जाएंगी, तो मैं दो कार ये उठा रहा हूँ, तो ले लेते हैं और खड़ी करते हैं, फिर फैम पे चलते हैं, फिर फैम पे देखते हैं कैसा लगता है। एक ले लिया ये एक, वैसे नया अपडेट आया उसके बारे में तो बात ही नहीं किया, कैसा लगा है गाइस तुम लोग मेरे को बता सकते हो, मेरे को पता नहीं है नए अपडेट में कैसे क्या है, तुम लोग मुझे हेल्प कर सकते हो इन गेम आके, मुझे अच्छा लगेगा। और एक ले लेते हैं, दो कार हमने ले लिया, 1 मिलियन चला गया हमारा। ओके गाइस आ चुके हैं अपन फैमिली में, यहाँ पे अपनी फैमिली की मेरी कार पहले स्पॉन कर लेते हैं। तो गाइस मुझे देखो ये दोनों कार पे अपग्रेड करना था, देखो एक ये मर्सिडीज थी, ये 90,000 की थी, यहाँ पे एक थी ये भी एक मर्सिडीज है, तो इन दोनों कार को यहाँ पे मेरे को स्पॉन करना है। सबसे पहले तो मैं स्पॉन कर देता हूँ ये पहली कार, यहाँ पे स्पॉन कर देता हूँ, अभी चेंज करके दूसरी कार, वापस पहली, मतलब एक्चुअली पहली कार ही है। तो सी कुछ ये गैराज का था कि यार हमें गैराज में, मैंने तुम लोग हमेशा बोला है कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड करते रहेंगे, सो दैट फैमिलीज को जो बंदे हैं बंदों को थोड़ी अच्छी कार्स ऐसे चलाने मिले, बट कुछ नहीं गाइस यही सब बताना था। तो तुम लोग को भी फैमिली ज्वाइन करनी है तो फैमिली ज्वाइन करनी के आओ ज्वाइन करो यार, अच्छी अच्छी हम चीजें लेके आ रहे हैं, लाइक ऑफर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी लेके आ रहा हूँ, सो दैट उससे तुम लोग को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा ना, तो फायदा ही तो चाहिए इस गेम में। अच्छी लग रही ना इस कार का, मैं तुम लोग को ड्राइविंग कंट्रोल नहीं दिखाया, अच्छा है कंट्रोल इसका, अच्छा है लाइक 500K के हिसाब से ना कंट्रोल अच्छा है इसका, बंदे मतलब बहुत इसकी तारीफ भी सुनी है इस रेंज के अंदर, इस कार की मैंने तारीफ सुनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एंड वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। वैसे आज की वीडियो टॉपिक ये नहीं था, कुछ और था, कुछ अच्छा था, एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के दुआ करो और मिस्टर रिच को परेशान मत करो, अरे खाना अच्छे से खाओ, दवा ववा कुछ लो, अगर दिमाग में कुछ है ना तो लो दवा, ठीक हो जाओगे यार, कोई इशू नहीं है, समझो यार बात, अच्छा नहीं लगता है पता है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा सब आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलूं मैं।